राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में कांवटिया हॉस्पिटल में राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर मनाया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अस्पताल के डॉक्टर्स, कर्मचारी और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस दौरान मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में सभी को पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। और इस मौके पर पायलट ने राज्यसभा में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को जीत की अग्रिम बधाई दी। हालात हैं विशेष रूप से हमारी पूर्वी सीमाओं पर, तो आज भयानक घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। और हम सब ने निर्णय लिया कि आज के दिन पूरे प्रदेश भर में जो हमारे महामारी से लड़ने के लिए हमारे सबसे बड़े योद्धा थे, हम डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, उन सब लोगों को सम्मानित भी करें, उनका हौसला अफजाई करें और एक संदेश लेकर जाएँ, क्योंकि ये महामारी में अब लॉकडाउन तो खत्म हो गया लेकिन इस बीमारी का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ना फैले, हमारा जो इससे संघर्ष करने का जो मनोबल है, जो संकल्प है, वो कम ना पड़े, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में हमारी पार्टी ने निश्चय किया कि राजस्थान के तमाम अस्पतालों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ताकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पिछले 3 महीने से लगातार, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, चाहे सफाई कर्मी हो, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, जिस ढंग से राजस्थान के लोगों को बचाया गया है और हमने उनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।